श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय चौड़े तबके में श्री कृष्ण की इस दुनिया में अखंड की चर्चा नहीं होती है आपने स्वयं आकर के अखंड की बात पुकार पुकार करके हमें समझाइए ऐसा करके यहाँ पर प्रार्थना ओ, ऐसा समझाया धनी को की प्रार्थना की से कायम सभे थे या कुडा मोहरा जे से कायम सभे थे या वे सभी से सभे कायम थे या वो सब अखंड हो गए कौन कूडा मोहरा जे कुडा का अर्थ होता है झूठे अश्शाश्वत नाशवान ऐसे मोहरा बोलते हैं कि जैसे कोई भी नाटक वगैरह हो तो इसका सूत्रधार आगे बात तो इस दुनिया के आगे वन जितने भी हैं तो इसमें देवी देवता वगैरह तो ये भी तो परिवर्तनशील ये नश्वरी हैं, तो उनके साथ में पूरी दुनिया को ही अखंड कर दिया बड़ी है, तो बहुत बड़ी बढ़ाई तो बढ़ाई का तात्पर्य प्रतिष्ठा डीनिये देकर असाथ कराए हम अस, अस्सा हाथ कराए हमारे हाथों से करवाया क्या करवाया ये अखंड करवाने का कार्य हमारे माध्यम से ज्ञान दिला करके के तो सबको आपने अखंड करवाया ये अक्षरातें दानी, दानी की बड़ी विशेषता है तो आपने इतना कुछ हम लोगों को करवा दिया हम लोगों से करवाया कई खेल देखा रे राध में ऐसे अनेक प्रकार के खेल इस झूठे उसमें नाटक अनेक प्रकार के नाटक इस खेल में दिखाए दिखाएल ने बेशक तो इलाम ने बेशक और साथ में तारतम ज्ञान भी दिया तो ऐसे अनेक खेल दिखाए जिससे भ्रम बढ़ेगा तो उस फिर भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान भी दे दिया विश्व या असा अथा दुनिया चौड़े टबक विश्व डियारी स्त दिलाया वश्त मुक्ति स्थल का सुख दिलाया असा हथा हमारे हाथों से हमारे हाथों के द्वारा उन सब को मुक्ति दिलाई दुनिया चौदह तवा का चौदह लोक की दुनिया को तो हमें इतनी बड़ी शोभा अपने दीये कहना चाह रहे हैं डीनिय बडियों बढ़ाइयों हाड़े जे डी ए दीदार डीनिये बड़ियो बड़ाइयों बहुत बड़ी प्रतिष्ठा आपने हमें दी दिलाई हाणे अब जे डी दीदार यदि आप दर्शन करवा दें अपने दर्शन दे दें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी वो कहना चाह रहे हैं आपने हमारी प्रतिष्ठा तो बहुत करवा दी अब दर्शन भी दे मीठा वेण सुनाइए वल्हा वल्हा स्वामी के लिए कहते हैं ये प्रियतम धनी अब मीठे वचन वेण वचन वो सुना दीजिए त सुख पशु संसार तो जिससे इस संसार में भी हमें सुखी सुख दिखाई दे अन्यथा ये दुनिया तो दुखदाई है इसमें आपकी बात सुनेंगे आपके दर्शन करेंगे तो ये दुख भी सुख में बदल जाएंगे इसलिए कहते हैं दुख में भी सुख लेवे महामती पार के पार पिया की प्यारी हे पण भोला साहि जी जे हिन में माँ मंगू सुख ये भी हमारी भूल है ये पण यह भी भूल असाई जी हमारी भूल है जे हिन में मांगू सुख जो हिन में हिन इस दुनिया में मंगूँ सुख तो मैं सुख मांग रही हूँ तो इस दुनिया में भी तो ये दुनिया भी सुख सुख उड़ाई दिख, दिखाई देने लगे ये भी मैं मांग रही हूँ ना तो ये हमारी भूली है एक प्रकार से बीओ डीषण बड़ो पुकार हाँ, बीओ दिषण बड़ो कुफर इल्म इलम बीओ दूसरा डीषण बड़ो कुफर बहुत बड़ा भ्रम बहुत बड़ा भ्रम देख रही हूं तो ये दूसरा बहुत बड़ा भ्रम कुफर ब्रह्म दोष जो भी है तो ऐसा मैं देख रही हूँ गिनने इल्म बेशक निदेह संदेह दूर करने वाला तारतम ज्ञान आपने जब दे दिया तो उसके बाद में भी ये प्राप्त होने के बाद में भी यदि मैं आपसे दुनिया में सुख मांग लूँ तो फिर ये भी तो एक बड़ा भ्रम है तो हमारा भ्रम कहाँ मिटा भ्रम भी तो नहीं मिटा इस तरह से अपनी वो ऐसे हो, होता है बेरा वेदना में ऐसे अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं तो वो व्यक्त कर रहे हैं खेल तो जरो नाहे की हे इल में खोली नजर खेल खेल तो जरो तो जरा मतलब भी नाहे की नाहे की नाहे ना का मतलब नहीं है कि कुछ भी खेल तो वास्तव में देखा जाए ये नाटक हम मान रहे हैं यथार्थ में ये कुछ भी नहीं है ये कहना चाह रहे हैं हे इल में खोली नजर है इसी तारतम ज्ञान ने हमारी दृष्टि खोल दी तो हमें पता चला तो ये तो जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ही तब वेही मगु सुख और सजा धनी मेडन कोठे घर हित तब यहाँ बैठ करके मंगो मंगो का मतलब मांगू सुख अरस सजा परम धाम के सुख को मैं यहाँ बैठ कर मांगू तो यहाँ बैठ कर के मांग रही हूं तो इस तरह से कह रहे हैं धनी मेड़न कोठे घर तो धनी तो मेड़न मिलने के लिए कोठे बुलाते हैं घर आप तो हमें घर में बुला रहे हैं और वहां सुख प्रदान करना चाहते हैं और हम दुनिया में भी सुख चाह रहे हैं तो ये बड़ी विडंबना है तो अभी तक हम दुनिया को छोड़ करके आपके चरणों में पहुंचना नहीं चाह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी विडंबना है ये इस प्रकार से समझा रहे हैं ढील मंगो घर हल्लाने जी बियो खेल में मंगा सुख ढील मंगो घर हल्लण जी घर जाने के लिए तो मैं थोड़ी सी ढीलाई मांग रही हूँ कहने का तात्पर्य तो अभी इतने जल्दी नहीं ना जाए अभी थोड़ी देर और रुके दुनिया में इस प्रकार से मैं उसमें तो ढिलाई विलम्ब कर रही हूं तो विलम्ब मांग रही हूं विलम्ब करने की मांग कर रही हूँ अब थोड़ी देर तो दुनिया दिखा दीजिए इस प्रकार से मैं मांग रही हूँ आपसे बियो खेल में मगा सुखा और दूसरी बात यह है तो इस खेल में फिर सुख मांग रहे तो यहाँ तो सुख होने की संभावना ही नहीं, नहीं। हिना में अचे तो कुपर कुफर आऊ छड़ी न सग्गा रुख हिना में इस दुनिया में अचे तो आता है कुफर कुफर मतलब भ्रम दोष तो इस दुनिया में तो ये दोष लगना ही है आऊ छड़ी न सग़ा रुख तो मैं तो अपने रुख ना छड़ी सग़ा मतलब छोड़ नहीं पाई मैंने तो अपने रुख नहीं छोड़ा तो दुनिया के तरफ ही रुख करना का तात्पर्य दृष्टि अथवा दिशा दुनिया की तरफ ही आ, कर दी तो इसलिए दुख के तरफ में तो इसलिए अब हमने इसको तो छोड़ा ही नहीं है तो भ्रम तो आएगा ही ना भ्रम तो बढ़ेगा तो इस प्रकार से दुनिया में भ्रम बना हुआ है हम भी उसी भ्रम से भ्रमित हैं थी नाए में असा नाए भारी थेयो। हिकड़ी थे हेकड़े गाल थी तोड़ी का तात्पर्य एक गाल बात थे हुई हि नाये में इस नाय नाए का मतलब नहीं है तो इस नहीं अस्तित्व हिंद जगत में एक बात तो बन गई तो क्या कह रहे हैं असा नाए भारी थे यो तो हम अब हमारे लिए तो है ये जो नहीं है ये अस्तित्व बिना का ये संसार है यही भारी पड़ गया है तो दुनिया में एक बात तो बन गई कि इस दुनिया को दिखाया तो हमारे लिए ये भारी पड़ गया है बस ये बात तो अवश्य है तुख मागोहित अरसजा जे नाहे के पशु था बे इसीलिए तुख मागोहित अरसजा हित यहाँ पर अरसजा सुख मांगू परमधाम के सुखों को तो इसलिए मांग तो तो भी कह सकते हैं ताकार था इसीलिए ये भी कह सकते हैं तो इसीलिए हम यहाँ रहते हुए आपके सुखों का सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं तो मांग करते हैं तो उसके लिए कहते हैं जे नाय के पशु था वे जे नाये के नायक नाय मतलब नहीं है नहीं है को नाये के पशु था बेयो दूसरा समझने बैठी इसलिए तो ये कुछ भी नहीं है तो आपके अंतर्गत ही ये तो मात्र दिख रहा है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं ऐसा समझना चाहिए तो ये भी नाशवान है और इसका भी अस्तित्व तो है ऐसा हमने दूसरा समझ लिया इसीलिए हम यहाँ पर सुख मांग रहे हैं के बाकी तो दुनिया में मांगने की जरूरत है क्या है दुनिया तो कुछ आए नहीं दृष्टि दुनिया की तरफ पड़ी है उसको हटा दें राज्य की तरफ कर दें बात पूरी हो गई फिर भी ये समझ नहीं आ रही है आंजी मंगाई मंगा थी या कुफर है या भूल है तो ये कुफर हो भ्रम हो या भूल हो आंजी मंगाई मंगा थी आपके मंगाने से ही तो मांग पा रहे हैं आपकी प्रेरणा से ही मांग रहे हैं आपकी दी हुई शक्ति से हे डोरी आंजे हाथ में हमारी डोरी तो हे का तात्पर्य यह डोरी हमारी डोरी आंजे हाथ में आपके हाथ तो में है हमारी डोरी तो आपके हाथ में है अस्सा दिल अकल तो असा हमारी दिल की भी और अकल की भी दिल और दिमाग दोनों की डोरी तो आपके हाथ में है जे की डीषण बोलना से तोरे सब बंधन जो कुछ हम डीषण का मतलब देखती हूँ और बोलन बोलती हूं मैं जो देख रही हूँ और बोल रही हूं से तोरे सब बंधन तो ये से वे तोरे मतलब आपके बिना सब बंधन सब कुछ बंधन ही है हक़ का इल्म चोए पधरो जो विचार करे मोहमन यदि ब्रह्मा आत्माएं विचार करती है तो हक इल्म चोए पधरो ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान तो चोए कहता है पधरव सीधा 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 रास्ता दिखाता है धनी धाम, जा, ए मेरे धाम, के धनी, धाम जा मतलब मेरे धाम के आसान नाहे चोणे जी गाल आसान नाहे मतलब हम आसान हमारे पास नाये नहीं है चोण जी को, बो, बोलने की गाल बात हमारे पास तो कुछ बोलने के लिए कुछ शेषी नहीं बचा है सब कुछ तो आपका अब हमारा कुछ है ही नहीं असा, असा जा आंजे हाथ में कौल फैल जे हाल तो हमारे मान वचन कर्म सब कुछ आपके ही हाथ में है बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है महामत चोहे मेहबू जी करियो जे अच्छे दिल तो महामत चोहे कहते हैं हे जी हे प्रियतम धामी करियो जे अच्छे दिल जो आपके दिल में आता है जे दिल अच्छे जो दिल में आता है करियो उस प्रकार आप करें जी जानो ती करियो आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए असाझी अकल हमारी बुद्धि को हमारी बुद्धि को जिधर ले जाना हो दुनिया की तरफ रखना हो या आपके चरणों में रखना हो आपको जो ठीक लगे ऐसा कर लीजिए इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं अभी के प्रश्न को यही रखते हैं श्री कृष्ण कन्हे लाल की असा जी अक्कल जी अकल महामत छोये महबूब जी महामत छोये महबूब जी अच्छे दिल करियो जे अचे दिल जीणो ती करियो जी ॼाणो तीअं करियो जी अकल असांजी अकलजी अकल असांजी अकल